वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ स्किन पॉलिश शेयर कर रही हूँ जो कि बहुत ही अमेजिंग स्किन पॉलिश है। सो किस तरह से आप घर बैठे स्किन पॉलिश कर सकते हैं, वो भी पॉलर वाली स्किन पॉलिश, तो मैं आपके साथ ये शेयर करूंगी। अगर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल में न्यू हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जो बेल आइकन है उसे जरूर प्रेस कर लें ताकि जितनी भी वीडियोज मैं अपलोड करूँ तो आपके पास मेरा नोटिफिकेशन फौरन आ जाए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपके साथ स्किन पॉलिश सीक्रेट शेयर कर रही हूँ। आपने देखा होगा पार्लर में जब आप स्किन पॉलिश करवाते हैं तो उसमें आपका फेस काफ़ी अच्छा सा हो जाता है, आपके फेस पे काफ़ी शाइनिंग आ जाती है। तो किस तरह से आप इजीली घर पे स्किन पॉलिश कर सकते हैं, वो भी पार्लर वाली। पहले मैं क्यूने ब्लीच पाउडर ले रही हूँ जो कि अल्टीमेट ब्लॉन्ड ब्लीच पाउडर है। आप देख सकते हैं काफ़ी माइल्ड सा होता है ये, इसी पैकेजिंग में आता है ये जो क्यूने ब्रांड की ब्लीच है। इसका जो रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा है और आपकी स्किन पे कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। इसके यूज़ करने से रिज़ल्ट भी काफ़ी अच्छा आता है और बहुत ही अच्छा आपका फेस ग्लो हो जाता है। ये ब्लीच पाउडर मैंने हाफ टेबल स्पून ले लिया है। उसके बाद मैं 20 वॉल्यूम यूज़ कर रही हूँ, क्यूने का ही 20 वॉल्यूम ले रही हूँ। आप देख सकते हैं इस तरह से आप भी लेंगे। या डेवलपर की मिकदार आपको नहीं बढ़ानी है, आपको दोनों की क्वान्टिटी सेम रखनी है। अब मैं एवियन के कैप्सूल यूज़ कर रही हूँ। एक कैप्सूल मैं यूज़ कर रही हूँ विटामिन ई एवियन कैप्सूल। इस कैप्सूल को आप सीजर से भी कट कर सकते हैं, इसके अलावा निडल से भी होल्ड कर सकते हैं। निडल से होल्ड करें और फिर इसमें जितना भी मटेरियल है इजीली निकाल लें। उसके बाद मैं वाइटनिंग कैप्सूल यूज़ कर रही हूँ। ये देख सकते हैं आप, ये वाइटनिंग कैप्सूल है, ये इजीली आपको मार्केट से मिल जाता है। एक कैप्सूल मैं यूज़ कर रही हूँ वाइटनिंग का। इस कैप्सूल को यूज़ करने से आपकी स्किन काफ़ी अच्छी वाइट हो जाती है, ब्राइट हो जाती है, आपकी स्किन पर काफ़ी ग्लो आ जाता है। उसके बाद मैं स्विस ट्रीटमेंट का स्किन शाइनर यूज़ कर रही हूँ। इसके यूज़ करने से आपकी स्किन पे काफ़ी कूलिंग इफेक्ट आता है। आपने देखा होगा जब आप ब्लीच वगैरह करते हैं तो आपकी फेस पे काफ़ी इचिंग वगैरह होती है, इसको जब यूज़ करेंगे तो आपके फेस पे बिल्कुल भी इचिंग नहीं होगी। तो इसका कलर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का होता है, थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट होता है एंड थोड़ा सा लाइट सा फ्रोजी होता है। बाद में सॉफ्ट टच का ट्री ट्री लोशन यूज़ कर रही हूँ जो कि सोथिंग लोशन है। इसकी भी मैं थोड़ी सी क्वांटिटी यूज़ कर रही हूँ। आप देख सकते हैं जितनी भी चीज़ें मैंने ली है सारी सेम ली है, यानी कि सबकी क्वांटिटी सेम है। मैं ये मिक्सचर फेस के लिए बना रही हूँ, अगर आप हैंड्स के लिए भी बनाना चाहते हैं तो आप हैंड्स के लिए भी इसको बना सकते हैं, लेकिन इस सब चीज़ों की क्वांटिटी को आप बढ़ा देंगे। उसके बाद ब्रश की हेल्प से अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करना है आपको ताकि जो कैप्सूल वगैरह आपने डाले हैं तो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अगर आप अच्छी तरह से मिक्सिंग नहीं करते, कहीं कहीं पे जो पाउडर होता है वो वहीं रह जाता है, फिर आप जब अप्लाई करते हैं तो फिर बबल के फॉर्म पर आपके स्किन पर आ जाता है, फिर आपको रेडिश भी उसकी वजह से हो जाती है, उसके अलावा आपको इचिंग वगैरह भी होती है। सो मिक्सचर रेडी होने के बाद कुछ इस तरह का होगा। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह की होगी, ना थिक होगा ना ड्रॉपी होगा, इस तरह से आपको बनाना है। मैंने अपने क्लाइंट के टॉवल लगा लिया है। उसके बाद आप देख सकते हैं इनका फेस स्किन पॉलिश से पहले आप देख सकते हैं, उसके बाद आपको मैं रिजल्ट दिखाऊंगी इसका। मैं स्किन पॉलिश मिक्सचर को डायरेक्टली अप्लाई कर रही हूँ। जब भी आप स्किन पॉलिश को अपने फेस पे लगाएंगे तो आप कोशिश किया करें आपके फेस पे कुछ भी ना हो, फेस वॉश करके लगाएं। एंड इसके अलावा अगर आपके फेस पे कोई फाउंडेशन वगैरह है तो उसको अच्छी तरह से रिमूव करने के बाद कोई सी भी स्किन पॉलिश मिक्सचर लगाया करें। स्किन पॉलिश मिक्सचर को ब्रश की हेल्प से इस तरह से मैं अप्लाई कर रही हूँ, आप भी इसी तरह से अप्लाई कर लेंगे। उसके बाद आप कोशिश किया करें आपकी जो आईब्रोज़ है उस पर ब्लीच मिक्सचर ना लगे। ये जो स्किन पॉलिश है इसके यूज़ करने से आपकी स्किन काफ़ी अच्छी हो जाती है, ग्लोई हो जाती है, आपके फेस पे जो डर्ट वगैरह है अच्छी तरह से रिमूव हो जाता है। इसके बाद स्किन पॉलिश मिक्सचर को फेस के साथ साथ नेक पे भी लगाएं ताकि जो फेस और नेक है दोनों कवर हो जाए। एंड इसके अलावा जब भी आप स्किन पॉलिश मिक्सचर को अप्लाई करें तो आइस से थोड़ा सा हटाकर लगाया करें, आइस के नीचे ना लगाया करें, इसकी वजह से आपकी आइस पे भी प्रॉब्लम आ सकती है। आप कोई सा भी ब्लीच मिक्सचर अप्लाई करें तो कोशिश किया करें आइस के नीचे ना लगे, क्योंकि अगर आइस के करीब करीब अगर आप लगाते हैं तो आपको इससे कोई भी मसला आ सकता है। एंड इसके अलावा आप कोई सा भी ब्लीच मिक्सचर लगाएं या स्किन पॉलिश मिक्सचर लगाएं तो आईब्रो से हटाकर लगाया करें, क्योंकि अगर आईब्रोज़ के पास अगर आप लगा देते हैं थोड़ा सा भी लग जाता है तो वो गोल्डन हो जाते हैं। इस तरह फिर जो आपकी आईब्रोज़ है वो भी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि आपका जो शेप है वो ख़राब सा लगता है, क्योंकि वो गोल्डन हो जाते हैं वहाँ के आपके हेयर। सो मैंने ब्लीच मिक्सचर अप्लाई कर लिया है। उसके बाद 12 टू 15 मिनट का मैं वेट करूँगी। अगर आपके चिक्स पे इचिंग वगैरह हो तो आप वहाँ से नीट कर सकते हैं। सो 15 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं ब्लीच का जो कलर है कुछ इस तरह का हो गया है। अब मैं रिमूव कर रही हूँ, आप देख सकते हैं कितना अच्छा ज़बरदस्त रिजल्ट आया है इनके फेस पे। एंड राइट हैंड पे आप देख सकते हैं मैंने बिफोर वीडियो लगा दी है ताकि आपको रिजल्ट वाजे पता चल सके। सो स्किन पॉलिश मिक्सचर अप्लाई करने के बाद कितना अच्छा अमेजिंग रिजल्ट आया, आप देख सकते हैं फेस पे काफ़ी ग्लो भी आ चुका है।
मैं स्पंज की हेल्प से इस तरह से फेस को क्लीन कर रही हूँ। आप अगर घर पे कर रहे हैं तो आप अपना फेस वॉश कर सकते हैं। आप फेस पे जब भी ब्लीच लगाएं या स्किन पॉलिश मिक्सचर लगाएं तो एयर पे भी ज़रूर लगाया करें, क्योंकि अगर एयर पे नहीं लगाते तो आपके एयर का कलर कुछ और एंड आपके जो फेस का कलर है वो कुछ और लगता है। इसलिए मैंने भी अप्लाई किया तो मैं क्लीन कर रही हूँ। उसके बाद मैं जेसिका का परफेक्ट ग्लो क्लिंजर यूज़ कर रही हूँ। ये जो क्लिंजर है ये 24 कैरेट क्लिंजर है, आप देख सकते हैं ये बहुत ही ज़बरदस्त क्लिंजर है, आपके फेस को बहुत ही अच्छी तरह से क्लीन कर देता है। इसी क्वांटिटी लेके मैं फेस पे डायरेक्टली अप्लाई कर लूँगी, उसके बाद मैं थोड़ा सा मसाज दूँगी ताकि ये स्किन पर अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए। सो जेसिका का 24 क्लिंजर अप्लाई करने के बाद आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त रिजल्ट आया है फेस पे। बहुत ही अच्छा क्लिंजर है ये, अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो आपको इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। अगर आप इसकी वीडियो देखना चाहते हैं पूरी रिव्यू की तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, सो ईजिली आप वहाँ जाके वॉच कर सकते हैं। एंड अब मैं यूज़ कर रही हूँ स्वीट ट्रीटमेंट के स्किन शाइनर। शाइनर का मसाज देंगे हम 5 to 7 मिनट मसाज देंगे, उसके बाद रिमूव कर लेंगे, उसके बाद फिर मास्क अप्लाई करेंगे। तो मास्क अप्लाई करने के लिए मैं पैटर फ्रेश का मड मास्क यूज़ कर रही हूँ जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। इसके यूज़ करने से आपकी स्किन काफ़ी अच्छी सी हो जाती है, तो मैं इस तरह से फिंगर की हेल्प से ले रही हूँ। आप फिंगर की हेल्प से भी लगा सकते हैं एंड ब्रश की हेल्प से भी लगा सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप जिस तरह से लगाना चाहें ईजिली अप्लाई कर सकते हैं अपने फेस पर। मास्क की लेयर पूरे फेस पे अप्लाई करेंगे, सिर्फ अंडर आई को छोड़ के आप पूरे फेस पे अच्छी तरह से अप्लाई कर लें, उसके बाद आप इसको ड्राई होने का टाइम देंगे। ये जो पैटर फ्रेश का मास्क है ये बोटैनिकल मास्क है एंड ये आपकी स्किन पे काफ़ी वाइटनिंग इफेक्ट लाता है। इसके अलावा इस मास्क को डिटॉक्सिफाइंग मास्क भी कहते हैं क्योंकि ब्लैकबेरी एंड वाइट टी से बना हुआ है। एंड जो पैटर फ्रेश की ब्रांड है ये काफ़ी अच्छी ब्रांड है, बोटैनिकल ब्रांड है। इसके अलावा ये कलर फ्री ब्रांड है। अलावा इस बोटैनिकल मास्क को यूज़ आप फेशियल के लिए भी कर सकते हैं, स्किन पॉलिश के लिए भी कर सकते हैं, क्लिंजिंग के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसका रिजल्ट काफ़ी ही अच्छा है। सो मैंने मड मास्क को पूरे फेस पे अच्छी तरह से अप्लाई कर लिया है, आप भी इसी तरह से अप्लाई कर लेंगे, उसके बाद आप इसको ड्राई होने का वेट करेंगे। ये मड मास्क 15 to 20 मिनट्स में ड्राई हो जाता है, आप फिर इसको नॉर्मल वाटर से भी वॉश कर सकते हैं। मैं स्पंज की हेल्प से क्लीन कर लूँगी। मड मास्क आप जब भी अप्लाई करते हैं फेस पे तो ड्राई होने के बाद कुछ इस तरह का हो जाता है। स्पंज को आप गीला करके इस तरह से आप थोड़ा सा मास्क को हटाएंगे, उसके बाद फिर आप नॉर्मल हटा सकते हैं। मैंने जो मास्क है अच्छी तरह से रिमूव कर लिया और आप रिजल्ट देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त रिजल्ट आया है। आफ्टर रिजल्ट भी देख सकते हैं एंड बिफोर रिजल्ट भी आप दोनों देख सकते हैं। फ्रेंड किस तरह से आप स्किन पॉलिश घर बैठे कर सकते हैं, वो भी पॉलर वाली स्किन पॉलिश, तो आपके साथ मैंने शेयर कर दी और रिजल्ट भी आप देख सकते हैं बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट के साथ है। लास्ट में मैं यूज़ करूँगी, आप देख सकते हैं ये मेरे पास एक कैप्सूल है। आप जब भी स्किन पॉलिश करें तो फिर एक कैप्सूल अपने फेस पे अप्लाई कर लिया करें। इस तरह से मैं कट करके अप्लाई कर लूँगी फेस पर कि आपके फेस पे वाइटनिंग इफेक्ट देर तक रहे और जो आपका फेस है काफ़ी ग्लो अच्छी तरह से रहे। ये मेथड आप ऑल टाइप स्किन पे कर सकते हैं और अगर आपका फेस ज़्यादा ही ऑयली है तो आप स्किन शाइनर को भी अपने फेस पे अप्लाई करके छोड़ सकते हैं। कैप्सूल के अंदर जितना भी सीरम था तो फेस पे इस तरह से मैंने अप्लाई कर लिया है। आप भी पूरे फेस को इस तरह से कवर कर लेंगे और जो बच जाएगा उसे नेक पे अप्लाई कर लेंगे। फेशियल करवाएं या स्किन पॉलिश करवाएं, कोई सा भी ट्रीटमेंट फेस पे लें तो कोशिश किया करें कि आप हीट पे ना जाया करें, यानी कि आप धूप पे ना निकलें। एंड इसके अलावा कुकिंग के लिए किचन पे ना जाएं, आप कोशिश किया करें 2 घंटे के बाद जाएं, क्योंकि अगर 2 घंटे के बाद जाएंगे तो इस तरह से आपका फेस भी सेट रहेगा और इसके अलावा आपके फेस पे कोई भी एक्ने वगैरह का इशू नहीं होगा। सो फ्रेंड घर पे स्किन पॉलिश आप किस तरह से कर सकते हैं मैंने आपके साथ शेयर कर दिया एंड मेरी वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अल्लाह हाफिज़।